हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द मार्क्समैन की, जो कि लियाम नीसन की काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में मैक्सिको बॉर्डर से थोड़े दूर हमें एक शहर नजर आता है और वहाँ पर जैकब नाम का एक लड़का आगे बढ़ता है, जो कि अपने स्कूल से घर पर जा रहा होता है। और वहाँ घर पर उसकी माँ उसे रोज़ा मिलती है और रोज़ा जैकब को उसका होमवर्क खत्म करवाती है। और वहीं पर रोज़ा को उसके भाई माइकल का फ़ोन आता है और वो उसे घर से जल्दी पैसे लेकर निकल कर देश छोड़ देने कहता है, जिसमें रोज़ा हाँ बोलती है और वो जैकब को अपने साथ आने कहती है। और फिर शहर में एक जगह पर हमें इको नाम का एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड नजर आता है, जिसमें उसके लोगों ने माइकल को पकड़ लिया होता है और वो लोग उसका फ़ोन देखते हैं, जिसमें उसकी आखिरी बात रोजा से हुई होती है। तब इको माइकल को मार देने कहता है और वो वहां से निकलता है, और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर बॉर्डर की दूसरी तरफ हमें अमेरिका में एक कार पार्क करके एक शिकार करते हुए जिम नजर आता है, जो कि अपनी गन लेता है और निशाना लगाता है और वो एक फॉक्स को मार देता है। और वहां से जिम अपने डॉग सैम के साथ आगे बढ़ता है और फिर वो लोग मरे हुए फॉक्स को देखते हैं, और वहीं पर जिम को कुछ इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हुए लोग दिखते हैं। तो वो इस बारे में रेडियो पर सारा को बता देता है, और फिर जिम वहां से अपने घर की ओर आता है, जो कि बॉर्डर से थोड़ा ही दूर होता है। और उसके घर के आने के बाद कुछ देर के बाद वहां पर टॉम नाम का एक बैंक मैनेजर आता है और वो आकर जिम को बताता है कि उसने घर की ईएमआई नहीं भरी है और अगर उसने बचे हुए पैसे वापस नहीं चुका है तो 90 दिन के अंदर उसका घर नीलाम हो जाएगा, और वहां जिम जल्दी पैसे भर देगा ये बताता है। तब वहां टॉम अगर उससे कुछ भी बात करनी हो तो अपना नंबर देकर वहां से निकल जाता है। और फिर जिम जाकर अपने कुछ दोस्तों से काम के लिए मदद मांगता है, जिसमें वो लोग उसे काम देने से मना कर देते हैं, और इस चीज से जिम काफी दुखी होता है। और फिर रात को जिम एक बार में आकर इस वजह से बैठा होता है, और वहां पर सारा भी आती है, जो कि बॉर्डर पेट्रोल में काम करती है और वो जिम की बेटी होती है, और वहां उसे बारटेंडर ने बुलाया होता है, जिसमें जिम काफी नशे में होता है। और वहां सारा सुबह इलीगल घुसने वाले लोगों के बारे में जिम को बताती है, जिसमें उन्होंने जिम के चलते उन्हें पकड़ा होता है, और वहां सारा जिम को अपने साथ रहने कहती है, जिसमें जिम बताता है कि वो उन पर बोझ बनना नहीं चाहता और वहां वो काफी नशे में भी होता है। तब सारा उसे घर पर लाती है और वहां जिम काफी दुखी दिखता है, और वहां सारा जिम और उसकी मां मियां की तस्वीर देखकर खुश होती है और वो काफी अच्छी थी ये वो बताती है, और वहाँ उसकी मौत से जिम काफी ज्यादा दुखी है ये बताता है। और फिर सारा जिम को सुलाती है और जिम के सोने पर वो उसे बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन रोजा और जैकब एक एजेंट के साथ बॉर्डर के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, और वहां तीनों छुपकर आगे बढ़ते हैं, और एजेंट को एक गाड़ी आती हुई दिखती है। तब वहां आगे जाने से वो मना कर देता है और वो रोजा को आगे बॉर्डर के पास एक जगह पर तार निकले हुए और वहां से उसे आगे जाने कहता है, और वो जैकब और रोजा वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर पे जिम अपनी कार में घूम रहा होता है, और फिर जैकब और रोजा बॉर्डर के पास आते हैं और वहां से उन्हें ओपन जगह मिलती है। तब दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें वहां रोजा थोड़ी सी घायल होती है, और फिर दोनों जिम की कार के पास आते हैं। तब वहां रोजा और जैकब भागते हैं, और वहां जिम उन्हें बताता है कि वो लोग वैसे वहां पर नहीं आ सकते और वो उन्हें बॉर्डर पेट्रोल को सौंप देगा, जिसमें वहां रोजा उसकी मदद मांगती है, जिसमें वो जिम को पैसे देगी ये बोलती है, और वहां जिम उसकी बात नहीं सुनता और वो बॉर्डर पेट्रोल में ये चीज फोन कर बता देता है, और उनके पीछे से इको और उसके साथी वहां आ जाते हैं। तब जिम अपनी गन लेता है और फिर इको वहां रोजा और जैकब को उसे सौंप देने कहता है, जिसमें जिम बताता है कि वो लोग उसके इलाके में हैं, और वहां वो बताता है कि वो एक्स मरीन स्नाइपर कॉप है, और वहां इको उसे धमकाता है, और वहीं पर वो लोग जिम पर हमला करते हैं, जिसमें जिम वहां एक आदमी को मार देता है, और फिर जिम कार के पीछे छुप जाता है, और वहां से रोजा और जैकब उसकी कार में बैठते हैं, और वहां से जिम निकलने जाता है। तब वहां इको आगे बढ़ता है और वो कार में पीछे चढ़ जाता है, और वहां जिम देखता है कि एक गोली रोजा को भी लग गई है, और फिर जिम पुलिस वालों को जल्दी आने कहता है, और वहीं पर इको अगर आकर जिम को पकड़ लेता है, तब जिम उसे गिरा देता है और वहां से भागता है, और वो आगे बढ़ जाता है, जिसमें वहां इको उसे देखता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई एंड्रो मारा गया है, और इस चीज से वो काफी भड़क जाता है। दूसरी तरफ जिम और जैकब रोजा को देखते हैं, और वहां रोजा जिम से मदद मांगती है, और वो जैकब को शिकागो में एक घर में छोड़ने कहती है, जिसमें जैकब काफी दुखी होता है, और वहीं पर रोजा मारी जाती है, और वहां जिम शिकागो में रोजा का दिए हुए एड्रेस का पेपर देखता है। कुछ देर के बाद जिम के पास पुलिस वाले आते हैं, और वहां सारा बताती है कि वो लोग जैकब को फोस्टर होम भेज देंगे, और वो लोग हमला करने वाले लोगों के बारे में पता लगाएंगे, और वहां एक आदमी जैकब से बात करके जिम को बताता है कि जिम ने उन्हें रोका, इसलिए उसकी माँ मरी गई, ऐसा जैकब को लगता है, और वहां जिम जैकब के लिए दुखी होता है, और वो वहां से निकलते हैं। अगले दिन सुबह जिम कार में उठता है, और वहां से वो पुलिस स्टेशन के पास इको और उसके साथियों की गाड़ी देखता है, और कार में उसे रोजा का बैग मिलता है, जिसमें काफी सारे पैसे
पैसे होते हैं और जिम को उसकी बातें याद आती हैं जिसमें वो इस बारे में सोचता है और इन पैसों से वो अपने घर को बैंक से छुड़ा लेने के बारे में सोचता है। और फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और वहां आकर एक ऑफिसर को चेकअप के बारे में पूछता है, जिसमें ऑफिसर बताता है कि उसे लेने के लिए उसके रिश्तेदार आए हैं। और वहां जिम समझ जाता है कि इको ने उसे लेने के लिए झूठ बोला है। तब वहां वो जेकब से मिलने कहता है। तब ऑफिसर जिम को जेकब के पास लाता है और वहां जिम जेकब को अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ आने कहता है। और फिर दोनों वहां से छुपकर बाहर आते हैं और पीछे के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और वहां से इको उन्हें देख लेता है। और वहां जिम और जेकब कार में बैठकर वहां से भागते हैं, जिसमें इको इस चीज से भड़क जाता है और उसे बॉर्डर पार करने ये बताता है। और फिर जिम वहां से अपने घर पर आता है और वहां आकर जिम अपना बैग लेता है और कुछ कपड़े और एक पिस्तौल लेकर वहां से बाहर आता है, जिसमें वो कार में देखता है और वहां से जेकब गायब होता है। दूसरी तरफ बॉर्डर पर एक जगह पर चेकिंग चल रही होती है और वहां इको की गाड़ी पास में आती है और वहां ऑफिसर को इको का आदमी अपना निशान दिखाता है और फिर वो एक डुप्लीकेट पासपोर्ट दिखाता है और वहां वो ऑफिसर उन्हें वहां से निकाल लेता है। और ये चीज से रियल में भी होती है ऐसा हमें फिल्म से पता चलता है। और फिर वो लोग अमेरिका में आके पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ जेकब एक जगह पर आगे बढ़ता है और वहां जिम उसे बताता है कि उसके पीछे गुंडे पड़े हैं और उसे बचने के लिए उसके साथ ही आना होगा। और फिर दोनों वहां से शिकागो की तरफ जाने निकलते हैं, जिसमें वहां जिम जेकब को बताता है कि वो उसकी माँ के कहे मुताबिक उसे शिकागो छोड़ने जा रहा है और वहां जेकब कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ इको और उसके लोग जिम के घर के पास पहुंचते हैं और वो लोग अंदर दाखिल होते हैं, जिसमें वहां कोई भी नहीं होता। और वहां सारा सामान इको देखता है, जिसमें उसे जिम का मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। तब वो उसे अपने पास रख लेता है और वहां के पेपर्स में उसे जिम के क्रेडिट कार्ड का बिल मिलता है। तब वो उसे लेकर बाहर निकलता है और वो लोग घर में आग लगा देते हैं और वहां से सब लोग निकलते हैं। दूसरी तरफ जिम और जेकब आगे बढ़ते हैं और वहाँ जिम जेकब को खाने के बारे में पूछते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं बोलता। तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ जिम खाना खाता है और वो जेकब को भी खाने कहता है और वहाँ धीरे धीरे वो भी खाने लगता है। और फिर दोनों वहाँ से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं, जिसमें वहाँ जिम अपना कार्ड यूज़ करता है। और फिर वो स्टोर में जाकर शिकागो जाने का मैप मांगता है और वहाँ लड़की उसे वो जगह दिखाती है और अब सब मोबाइल यूज़ करते ये वो बताती है, जिसमें जिम को वो मैप मिलता है और वो आखिरी होता है। तब वो लड़की जिम को फ्री में दे देती है और वहां से जिम आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका के अपने अड्डे पर इको की टीम तैयार होती है, जिसमें इको जिम का क्रेडिट कार्ड नंबर एक आदमी को देता है, जिसमें वो आदमी उसे बताता है कि उसका कार्ड कुछ ही देर पहले एक पेट्रोल पंप पर यूज हुआ है। तब इको अपने लोगों के साथ वहां से निकलता है और फिर हमें सारा नजर आती है, जिसमें वहां जिम उसे फोन करता है और वो जेकब को लेकर जाने के लिए माफी मांगता है, जिसमें उसकी जान खतरे में होती है। और वहां सारा उसे वापस लाने कहती है, जिसमें जिम उसे सेफ चाहता है ये बताता है। और वहां सारा बताती है कि जिम का पूरा घर चल चुका है। तब जिम फोन कट कर देता है और वो वहां से आगे बढ़ता है और वो काफी भड़का हुआ होता है, जिसमें ये सब चीजें जेकब के चलते ही हुई है ये वो बोलता है। और वहां जेकब बताता है कि वो उनके रास्ते में आया था और तब से मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और वहां उसे घर जाना है ये वो बताता है, जिसमें जिम बताता है कि वो उसे शिकागो में उसकी माँ के बताए हुए घर लेकर जा रहा है, जिसमें वो वहां सेफ होगा और वो उसकी माँ के लिए दुखी है ये वो बताता है। और वहीं पर जिम की कार खराब होती है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के शॉप पर इको आता है और वहां आकर वो लड़की से बात करता है और वहां वो जिम के बारे में पूछता है, जिसमें वो लड़की वो वहां पर आया था ये बताती है। और वहां इको कैमरास देखता है और वहां लड़की उसे रोकती है। तब इको उसे धमकाता है और वहां से कैमरा रिकॉर्डिंग्स लेकर वो निकल जाता है, जिससे उसे जिम के जाने की दिशा पता चले और वो फिर आगे बढ़ता है। और फिर एक जगह पर एक मैकेनिक जिम की कार देखता है और वो बताता है कि उसकी कार पर गोलियां लगी है, जिसमें जिम बताता है कि वो बॉर्डर पेट्रोल पर काम करता है और वहां ऐसा हुआ था और वहां मैकेनिक उसे कल तक कार ठीक कर देगा ये बताता है। और फिर जिम एक बार में बैठता है और वहां दोनों खाना खाते हैं और वहां जिम जेकब की इंग्लिश बोलने की तारीफ करता है और वहां जिम उसके पीछे माफियाज क्यों पड़े ये पूछता है, जिसमें जेकब बताता है कि उसका मामा माइकल ने माफियाज का पैसा चुराया था और उन्होंने इसलिए उसे मार दिया और उनके पैसे लेकर रोसा और वो अपने शहर से भागे थे, इसलिए वो माफियाज उनके पीछे पड़े। और फिर जिम ड्रिंक लेता है और वहां से जेकब वॉशरूम में आता है और वो बाहर आता है। तब वो देखते हैं कि जिम वहां से कार में चला गया है और वो सोया है और वो नहीं उठता। तब जेकब सैम के साथ वहां से बाहर आता है और वहां से दोनों शहर में घूमते हैं और वो लोग पूरा शहर देखते हैं। और सुबह जिम उठता है तब वहां जेकब नहीं होता और उसके वो पैसे दिखता है जो कि वहीं पर होती है। और वहां जिम भड़क जाता है और वहीं पर उसे जेकब और सैम आते हुए दिखते हैं और फिर जिम और जेकब खाना खाते हैं। और फिर जिम की कार ठीक होती है और वहां वो अपने कार्ड से पेमेंट करता है और वो वहां से आगे बढ़ता है और वो शिकागो की ओर जाता है, जिसमें वो जेकब को मैप देता है और वो उसे रास्ता दिखाने कहता है और वहीं पर जेकब शिकागो को मार्क कर लेता है। दूसरी तरफ इको के आदमी को
मैकेनिक के कार्ड पेमेंट के बारे में पता चलता है और वो ये चीज़ फ़ोन करके इको को बता देता है और तब इको उस तो और जाने निकलता है। और फिर जिम आगे बढ़ता है और वहाँ उसके पास फ़ोन क्यों नहीं है ये चेकअप पूछता है, जिसमें जिम बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ 1 साल पहले हुई थी और अब उसे कोई भी फ़ोन नहीं करता, इसलिए वो फ़ोन नहीं रखता और वो उसे शिकागो में छोड़ देगा जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये वो बताता है। और वहीं पर पुलिस की गाड़ी जिम के पास आती है और तब वो उसे साइड में रुकाते हैं और वहाँ ऑफिसर जिम के पास आता है और वहाँ जिम उसे पेपर्स दिखाता है और वो गाड़ी में हथियार के बारे में पूछते हैं, जिसमें जिम बताता है कि उसके पास एक पिस्तौल और राइफल है। तब ऑफिसर उन्हें मांगता है और जिम के उन्हें देने पर वो दोनों को अपनी कार की डिक्की में रख देता है और वो जिम को कार में बिठाता है और चेकअप से बात करेगा ये बोलता है। और फिर ऑफिसर अपने फ़ोन से ये चीज़ किसी को बता देता है और इस चीज़ से जिम को उस पर शक होता है और वहाँ ऑफिसर जिम को उसकी गाड़ी में बैठने कहता है और वहाँ जिम बताता है कि ऑफिसर ने चेकअप से बात ही नहीं की। और वहीं पर इको की कार आती हुई दिखती है, तब जिम बोलता है कि ऑफिसर गद्दार है और तब ऑफिसर उसे मारने चाहता है और वहीं पर सैम ऑफिसर को पकड़ लेता है और वहाँ जिम उसे पकड़कर वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है। और वहाँ इको की कार पास में होती है, तब जिम कार में बैठकर दूसरी तरफ कार को लाता है और वहाँ पर एक जगह पर वो लोग छुप जाते हैं और वहाँ से बाहर आकर दोनों इको को देखते हैं, जिसमें इको ऑफिसर के पास आता है और वहाँ पर वो उसे मारकर उठाता है, जिसमें वो जिम के बारे में पूछता है और वहाँ ऑफिसर बताता है कि वो लोग भाग गए। तब इको भड़क जाता है, जिसमें उनके पास जिम के हथियार होते हैं और वहाँ इको ऑफिसर को मार देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें इको को जिम का नक्शा भी मिल जाता है। तब वो उसे अपनी कार में रख देता है और फिर जिम और जैकब वहाँ से निकलते हैं और दोनों एक गन शॉप में आते हैं और वहाँ जिम एक राइफल और पिस्तौल लेता है, जिसमें वो एक मरीन था ये उसके आईडी से दुकान वाले को पता चलता है और वहाँ वो उसके बैकग्राउंड को चेक करने में 1 दिन लगेगा ये बताता है, जिसमें जिम बताता है कि वो एक बच्चे की जान बचा रहा है और इसलिए आज ही उसे ये दोनों गन्स चाहिए। और तब वो दुकान वाला उसे दोनों गन्स ले लेने कहता है और वो मरीन के लिए इतना तो कर ही सकता है ये बोलता है, जिसमें जिम वहाँ से निकलता है। और फिर सारा की बात जिम से होती है और वो बताती है कि जिम के पीछे इको नाम का एक ड्रग लॉर्ड पड़ा है जो कि काफी खतरनाक है और वो जैकब को उसके हवाले कर देने कहती है, जिसमें जिम इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और वो फोन कट कर देता है। और फिर जिम जैकब के साथ आकर कपड़े और थोड़ा सा खाना लेता है और फिर दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो दोनों एक जगह पर कार पार्क कर देते हैं और रात को दोनों एक होटल में आते हैं और वहाँ जिम अपने कार्ड को देखता है और वो समझ जाता है कि शायद वो लोग उसे कार्ड के चलते ही ट्रैक कर रहे हैं। तब वो वहाँ पर कैश में पैसे देता है और फिर वो जैकब के साथ एक रूम में आता है और वहाँ से जैकब नहाने आता है। कुछ देर के बाद दोनों टीवी देखते हैं और वहाँ रोमांटिक सीन आता है, जिसमें जैकब बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उसी से शादी करेगा, साथ ही वो जिम को भी दूसरी शादी करने कहता है, जिसमें जिम हंसता है। और फिर दोनों सोने जाते हैं और वहाँ सैम को पॉटी लगती है, तब जिम उसे लेकर बाहर आता है और वहीं पर जिम को इको उसके लोगों के साथ होटल के बाहर दिखता है। तब वो वहाँ से अंदर आ जाता है और जैकब को वहाँ से उठाता है और वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता है और वहाँ से खिड़की से दोनों बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ से इको और उसके आदमी अंदर घुसते हैं और वहाँ से वो लोग खिड़की से आगे बढ़ते हैं और वहाँ जिम और जैकब भागकर आगे जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं, जिसमें वहाँ इको को वो लोग नहीं मिलते हैं। तब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और वहाँ पुलिस के आने की आवाज़ आती है, तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर जिम जैकब को कार में बैठने कहता है और वहाँ से वो सैम को लेने आता है, जिसमें वो देखता है कि सैम इको पर भौंक रहा होता है और इको उसे मार देता है और इस चीज़ से जिम काफ़ी दुखी होता है। और फिर वो सैम को लेकर अपने कार के पास आता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें जैकब भी सैम के लिए दुखी होता है। और फिर दोनों अगले दिन सुबह सैम को एक जगह पर गाड़ देते हैं और वहाँ जिम सैम के लिए प्रार्थना करता है और ये चीज़ें जैकब के चलते हो रही है ये वो बोलता है। और वहाँ जैकब बोलता है कि ये चीज़ वो पैसों के लिए कर रहा है और ये चीज़ उसे पता है। तब जिम उसे कार में बैठने कहता है और वहाँ जैकब दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और वो जंगल में आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद जिम आगे जाता है और वहीं पर उसे जैकब मिलता है, तब वो उसे कार में बैठने कहता है और वो उसे बाहर आकर बताता है कि वो उसके लिए ये सब कर रहा है और उसे पैसों के बारे में उसे बता देना चाहिए था। तब वहाँ जैकब कार में बैठता है और वो उसे बताता है कि उसे उसकी माँ याद आती है, जिसमें उन लोगों ने उसकी माँ के लिए प्रार्थना भी नहीं की। तब जिम वहाँ से कार को लेकर आगे बढ़ता है और रास्ते में एक चर्च में वो आते हैं और वहाँ जिम चर्च में वहाँ से पादरी के पास जिम रोज़ा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाता है और वहाँ रोजा के लिए जैकब दुखी होता है और इस चीज के लिए पादरी को जिम थैंक्स बोलता है और वहाँ पादरी जिम को जैकब का ध्यान रखने कहता है। और फिर जिम सारा से बात करता है और वहाँ सारा काफी डरी हुई होती है, जिसमें उसे होटल में हुए हादसों के बारे में पता चलता है और वहाँ जिम बताता है कि वो ठीक है और वो अब शिकागो जा रहा है, जिसमें जैकब को किसी की जरूरत है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और वहाँ सारा अब उसकी मदद नहीं कर पाएगी ये बताती है। तब जिम उसे वहाँ उसका ध्यान रखने कहता है और वो वहाँ से आके बढ़ता है।
हैं और फिर एक जगह पर कार में इको और उसके लोग बैठे होते हैं और वहाँ एक लड़की को मैप मिलता है। तब वो वहाँ पर शिकागो को मार्क हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि जिम शिकागो गया है और ये चीज़ वो इको को भी दिखाता है। तब इको अपने शिकागो में लोगों को फ़ोन लगाता है और उन्हें इस चीज़ के बारे में बताता है। और फिर एक जगह पर जिम पिस्तौल की प्रैक्टिस करता है और वो जैकब को बुलाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे पिस्तौल चलाना सिखाता है, जिसमें वो ये चीज़ सीख जाता है और वो निशाना भी ठीक ठाक लगा देता है। और वहाँ जिम उसकी तारीफ करता है, जिसमें वहाँ जिम उसे पिस्तौल खोलना भी सिखाता है। और वहाँ जैकब बताता है कि वो इको और उसके साथियों को मार देगा और वहाँ जिम बताता है कि उसकी लाइफ काफ़ी बड़ी है, जिसमें उसे ये चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। और फिर रात को दोनों एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ जैकब जिम की पत्नी के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो काफ़ी अच्छी थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर जिम रोज़ा की तारीफ़ करता है और वो जैकब को सारे पैसे दे देता है, जिसमें जैकब को वो पैसे नहीं चाहिए ये बोलते हैं। तब वहाँ जिम उनमें से पैसों को लेकर जलाने लगता है और वहाँ जैकब भी यही करता है, जिसमें दोनों को इस चीज़ में मज़ा आता है और दोनों सारे पैसे जला देते हैं और खुश होते हैं। और फिर दोनों अगले दिन सुबह शिकागो के पास पहुँचते हैं और वहाँ इको के आदमी ब्रिज पर से उन्हें देख लेते हैं और वहाँ जिम भी उन्हें देख लेता है और वो समझ जाता है कि इको अब उनके पीछे आएगा। तब वो दूसरी तरफ कार को घुमा लेते हैं और इको का आदमी इको को उनकी लोकेशन दे देता है। तब वो लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं और वहाँ से जिम आगे जा रहा होता है, तब वहीं पर इको की कार उससे दिखती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और वहाँ से जिम अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और वो आगे बढ़ता है और तब इको उसके पीछे ही जाता है और वहाँ जिम काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को आगे लेकर जाता है और वहीं पर इस वजह से उसका इंजन जलने लगता है और इको उसके पीछे ही होता है। तब जिम एक जगह पर कार को रोकता है और वहाँ से वो अपनी राइफल निकालता है और निशाना लगाता है और वहाँ इको की कार सामने आते ही जिम उसके ड्राइवर को मार देता है, जिसमें गाड़ी पलटी हो जाती है और सारे लोग घायल होते हैं। तब वहाँ जिम उन्हें देखता है और फिर जैकब के साथ वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है और फिर कार में से तीन लोग निकलते हैं, जिसमें वो लोग थोड़े घायल होते हैं और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिम और जैकब वहाँ से पास के खेत में एक टावर पर चले जाते हैं और वहाँ से जिम ऊपर आता है और वो एक खिड़की से तीनों का आते हुए दिखता है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो जैकब को वहाँ से निकलने कहते हैं। और फिर जिम ऊपर आकर निशाना लगाता है और वो वहीं पर एक आदमी को मार देता है, जिसमें इको और उसका दूसरा साथी टावर पर गोलियाँ चलाते हैं और वहाँ से जैकब को जिम 2 मिनट के बाद एक गोली चलाने कहता है और वो वहाँ से नीचे की तरफ आता है और वहाँ इको और उसका साथी तैयार होते हैं और वहाँ जिम नीचे आकर उस जगह पर निशाना लगाता है और ऊपर से जैकब गोली चलाता है। तब वहाँ एक आदमी आगे बढ़ता है और वहीं पर जिम उसे मार देता है। दूसरी तरफ से इको टावर में घुसता है और वहाँ जैकब छुपकर आगे जाता है और वहीं पर वो नीचे गिरता है और ये चीज़ इको को पता चलती है। कुछ देर के बाद जिम वहाँ पर आता है और वहीं पर इको जैकब को लेकर सामने आता है और वो जिम को बंदूक फेंक देने कहता है। तब जिम बंदूक फेंक देता है और वहाँ इको आगे बढ़ता है और वो बताता है कि जैकब उसे उसकी याद दिलाता है, जिसमें वो भी उसकी उम्र का था। तब वो माफियाज के बीच में फंस गया था और वहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ जुड़ गया था और वो अब जैकब को भी अपनी तरह ही बनाएगा और वो उसे गन देता है और वो जैकब को जिम को मार देने कहता है, जिसमें वहाँ पर जैकब गन में से मैगजीन निकाल देता है और वहीं पर जिम आगे बढ़कर इको से लड़ता है, जिसमें इको जिम को मारता है और जिम इको को गिरा देता है और फिर इको उठकर जिम को और मारता है और एक चाकू से जिम को घायल करके उसे मारने जाता है और वहाँ जैकब गन उठा लेता है और तब इको उसे मार देने कहता है और वहाँ जिम उसे रोकता है और वो उसे सही राह चुनने कहता है और फिर जिम जैकब से गन लेकर इको को घायल कर देता है और वहाँ इको जिम को उसका मेडल ऑफ ऑनर वापस देता है। तब जिम उसे रख लेता है और फिर जिम उसे बताता है कि उनके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, जिसमें बचपन में उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था लेकिन अब है, और वो उसे गन देता है और वहाँ से जिम और जैकब बाहर आते हैं और वहीं पर इको खुद की जान ले लेता है। और फिर जिम और जैकब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक गाड़ी में एक आदमी उनकी मदद करता है और तीनों वहाँ से आगे जाते हैं। तो अगले दिन दोनों शिकागो में पहुँच कर आगे जाते हैं और वहाँ जिम एड्रेस देखता है और वो उस घर के पास पहुँचता है और वहाँ जिम जैकब को अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है और उसे अपना ख्याल रखने कहता है और वहाँ से जैकब आगे जाकर घर पर बेल बजाता है और वहीं पर उसकी मौसी और नानी सब आकर उससे मिलते हैं और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ जैकब देखते हैं कि जिम वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ जिम एक बस में नजर आता है और वो काफ़ी कमज़ोर दिखता है। असल में इको का गाँव से काफ़ी ज़्यादा लगा होता है और वहाँ उस चीज़ से इसकी हालत ख़राब होती है और अब जिम के पास घर भी नहीं होता और वहीं पर वो मारा जाता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म भी खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है FreshMojoIndia।